नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। 23 मई 2019 भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद ऐतिहासिक दिन। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिला है। एक बार फिर बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है। भारतीय लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आज के इन चुनाव नतीजों पर ना केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया की नज़रें थी। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में भारत के चुनावी नतीजों के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पूरी दुनिया की निगाहें इस लोकसभा चुनाव पर थी। 542 सीटों पर चुनाव हुए। करीब 90 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। ये 125 अरब आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अब इसके चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एग्जिट पोल से ही साफ हो गया था कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है, और ज़्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए। आइए हम नज़र डालते हैं एग्जिट पोल पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को 300 या 300 से ज़्यादा सीटें दे रहे थे, जैसे कि न्यूज़ नेशन का दावा था करीब 286 सीटें मिलेंगी, और माय एक्सिस का दावा था 352, मतलब करीब 350 सीटें मिलेंगी, जबकि नेल्सन का सर्वे कह रहा था कि 267 सीटें मिलेंगी एनडीए को, यानी कि नेल्सन ने सबसे कम सीटें एनडीए को दी थी। लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि भाजपा को और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को करीब 300 या 300 ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब आज जब चुनाव नतीजे आ गए हैं, साबित हो गया है कि ज़्यादातर एग्जिट पोल सही दावा कर रहे थे। आइए नज़र डालते हैं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ये भारी बहुमत क्यों मिला। आखिर मोदी की जीत की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि विपक्ष ने जितना ज़्यादा उन पर हमला किया, वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली बनते गए। 2014 में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन पर चाय वाला कहकर कमेंट किया था, और फिर प्रधानमंत्री मोदी की ये खूबी है कि जो उनके आलोचक उनके ऊपर जो कमेंट करते हैं, उसको वो अपने फेवर में करने की कला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें चाय वाला कहकर चिढ़ाने की कोशिश की। मोदी इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, घबराए नहीं। उन्होंने चाय वाला शब्द को अपना एक मंत्र बना लिया, सक्सेस का मंत्र बना दिया, और चाय वाले के नाम से उन्होंने चाय वाला शब्द को अपनी जीत का मंत्र बनाया, और उसी नाम से उन्होंने प्रचार किया और भारी बहुमत से विजयी हुए। आइए देखिए 2014 में क्या हुआ था। 2014 में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 336 सीटें मिली थी। लग रहा है कि इस बार बीजेपी की जीत का आंकड़ा इससे भी ऊपर जाएगा। आखिर ये ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी को इस बार, और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी को, पिछले 2014 के मुकाबले, ये आइए हम नज़र डालते हैं कि आखिर 2014 के मुकाबले किस तरह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है, और उनकी लोकप्रियता बढ़ने वजह क्या रही है। सबसे बड़ी वजह उनकी रही है विपक्ष के तीखे हमले। जितना विपक्ष ने उन पर हमले किए, उन पर निजी तौर पे हमले किए, उनके परिवार को लेकर, उनकी जाति को लेकर उन पर हमले किए गए, खासतौर पे राफेल डील को लेकर, जिस तरह राहुल गांधी ने उन्हें लगातार चौकीदार चोर है कहकर उनको पुकारा, उन पर आरोप लगाए और उनको अपमानित करने की कोशिश की गई, मोदी उतने ही मजबूत बनकर उभरे। आइए हम नज़र डालते हैं कि आखिर 2019 में मोदी की जीत की 5 बड़ी वजह क्या रही। मोदी की जीत की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी के सामने कोई विपक्षी नेता नहीं है। अब नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी महसूस की गई 2019 के चुनाव में। अगर हम मोदी के मुकाबले देखें तो कौन सा बड़ा सशक्त नेता है? राहुल गांधी आज भी अपनी वो इमेज नहीं बना पाए हैं। उनको देश के लोग, देश के मतदाता उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। मोदी के मुकाबले राहुल कहीं नहीं ठहरते। अगर नेतृत्व की बात की जाए, अनुभव की बात की जाए, अगर उनकी भाषण शैली की बात की जाए, तो राहुल गांधी मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। अगर अन्य नेताओं की बात भी करें तो मायावती का जनाधार लगातार यूपी में घटा है, और उनकी छवि भी अब मजबूत नहीं रही। वो उनको राष्ट्रीय नेता के तौर पर आज भी मायावती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सपा के मुलायम सिंह यादव, वो ऑलरेडी अपनी पार्टी में काफ़ी पीछे चले गए हैं। उनके बेटे अखिलेश उनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहे, तो भला देश कैसे स्वीकार करता। ममता बनर्जी का जो रवैया वेस्ट बंगाल में रहा है, उन्हें भी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कभी भी देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किस चंद्रबाबू नायडू, जो कभी
मोदी के बड़े करीबी हुआ करते थे, अचानक उनके मोदी से ऐसे रिश्ते बिगड़े कि उन्होंने एनडीए छोड़ा और उन्होंने महागठबंधन बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि महागठबंधन को कोई नेतृत्व नहीं मिल पाया। बिहार में देखें तो लालू प्रसाद यादव जेल में है, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हुए हैं, उनके परिवार में भी बिखराव हो चुका है। तो राहुल गांधी तो लालू प्रसाद यादव भी मोदी के मुकाबले कहीं नहीं टिकते हैं। तो इस तरह अगर देखें देश के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी नेता मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। नीतीश कुमार की एक अच्छी छवि है, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार तक ही सीमित रहना चाहते हैं। फिलहाल उनका राष्ट्रीय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं दिखता है, और अब उनके तो मोदी से बहुत अच्छे संबंध भी हो गए हैं। तो लिहाजा अगर देखें तो मोदी के मुकाबले कोई विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसे प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा सके। तो ये मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत की वजह रही है। दूसरी एक बड़ी बात है, विपक्ष की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कोशिश की, लेकिन महागठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया, और मोदी ने तो अपनी रैलियों में लगातार महागठबंधन को महामिलावट कह के संबोधित किया। जाहिर सी बात है, जब ये महागठबंधन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो लगातार महागठबंधन के जो तथाकथित नेता थे उनके विरोधाभासी बयान आ रहे थे। कहीं मायावती प्रधानमंत्री पद का दावा कर रही थी, तो कहीं लग रहा था कि चाहे ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, प्रधानमंत्री के तौर पर किसी नेता का नाम नहीं उभर रहा था, और ना ये ऐसा लग रहा था कि कोई भी नेता राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा। तो ये बड़ी स्पष्ट बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि महागठबंधन में नीतियों का साफ अभाव दिखा, नेतृत्व का कोई नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा था जो ये कह सके कि वो महागठबंधन को लीड कर सकता है। तो ये बात भी मोदी के फेवर में गई कि जब महागठबंधन की नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं। मोदी की इस जीत की तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या थी? चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं ने मोदी की नीतियों से ज़्यादा उन पर निजी हमले किए गए। किसी ने उन्हें चौकीदार चोर कह के संबोधित किया, किसी ने उनके परिवार को लेकर, उनकी मां को लेकर, और उनके निजी तौर पर उन पर हमले किए। ये बात भी मोदी के फेवर में गई। ऐसा लगता है देश के मतदाताओं को एक ईमानदार प्रधानमंत्री पर, एक मेहनती प्रधानमंत्री पर लगातार हमला करना देश के वोटर्स को अच्छा नहीं लगा, और ये बात भी मोदी के फेवर में गई। जितना ज़्यादा मोदी पर निजी हमले किए गए उतना ज़्यादा मोदी को फायदा होता गया। और ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी बहुत संयमित रहे, उन्होंने किसी भी नेता पर, खासतौर पर राहुल गांधी पर, किसी तरह के निजी उन्होंने हमले नहीं किए। वो लगातार अपनी नीतियों का प्रचार करते रहे, अपने कामकाज का देश को ब्यौरा देते रहे। ये बात भी मोदी के फेवर में गई। और ख़ास तौर पे जो एक विपक्ष के हाथ में बस एक ही मुद्दा था, राफेल का मुद्दा, और ये मुद्दा भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, और ये बात मोदी के फेवर में गई। जितना ज़्यादा राहुल गांधी ने विपक्षियों ने उन्हें चौकीदार चोर कहकर संबोधित किया, और कितनी मोदी ने इस आरोप को बड़ी चतुराई से अपने फेवर में कर लिया। सारे बीजेपी नेताओं ने खुद को चौकीदार कहा, और मोदी ने लगातार अपनी जनसभाओं में कहा कि वो देश के चौकीदार हैं और किसी भी बेईमान नेता को वो देश को लूटने नहीं देंगे, और ये बात मोदी के फेवर में गई। जीत की चौथी सबसे बड़ी वजह, मोदी की जीत की चौथी सबसे बड़ी वजह क्या थी? देश की एकता और सुरक्षा। बालाकोट हमले के बाद जिस तरह मोदी ने बड़ी कड़ाई के साथ में पाकिस्तान को जवाब दिया, और जिस तरह हमारे जाबाज अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, और ये मोदी की विदेश नीति की जीत का कमाल था कि पाकिस्तान को सम्मान अभिनंदन को वापस करना पड़ा, और जिस तरह इस बालाकोट हमले के बाद भारतीय सेना ने पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, एयर स्ट्राइक की, इस बात ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। और मोदी ने बड़ी दृढ़ता के साथ देश को बताया कि वो देश की सुरक्षा से, अखंडता से, एकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये मुद्दा मोदी की जीत में बहुत बड़ा कारण रहा है। मोदी ने पूरे देश को ये बताया कि उनके नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी सारी जनसभाओं में जहाँ भी वो जाते थे, वो लगातार उन्होंने आतंकवाद पर हमला किया, देश की अखंडता और सुरक्षा के बारे में बात की। मोदी ने कहा कि वो देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ये बात भी मोदी के फेवर में कही। इस दौरान जब मोदी देश की एकता और
सुरक्षा को लेकर, अखंडता को लेकर बात कर रहे थे, आतंकवाद के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। विपक्षी नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। शायद देश के वोटर्स को ये बात भी बहुत खराब लगी कि जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, विपक्षी नेता उसी सुरक्षा के मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने से पड़ोसी मुल्कों पर जो देश के खिलाफ हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहे, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। ये बात शायद भारतीय वोटर्स को के मन में बस गई कि देश की सुरक्षा वाकई मोदी के हाथ में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और क्योंकि देशवासियों को लगा कि शायद मोदी के नेतृत्व में, मोदी की लीडरशिप में देश कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, ये बात भी मोदी के फेवर में गई। तो ये देश की सुरक्षा और अखंडता का जो मुद्दा था वो मोदी के फेवर में गया। और मोदी की जीत की पांचवी सबसे बड़ी वजह, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विपक्ष ने लगातार हमले किए कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, विकास के कार्य नहीं किए, इवन विकास शब्द को लेकर मोदी का लगातार मजाक उड़ाया गया, लेकिन मोदी सरकार की कुछ नीतियां जो सिर्फ गरीबों के लिए थी, खासतौर पर किसानों को पैसा देने की नीति, चुनाव से पहले किसानों के खातों में 4,000 रुपये आ गए, अगली 2,000 किस्त का भी प्रोसेस शुरू हो गया, उज्ज्वला गैस उन्होंने गांव-गांव में, मोदी सरकार के दौरान गांव-गांव में गरीब लोगों को उज्ज्वला गैस, फ्री गैस कनेक्शन दिए गए, गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में फ्री टॉयलेट बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए गए, और जो एक और बड़ी मोदी सरकार की नीति थी, फ्री में इलाज, गरीबों को जो एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया, ये नीति भी मोदी सरकार के फेवर में गई। मोदी सरकार की जीत की ये पांच बड़ी वजह थी, और इस बार फिर मोदी सरकार की दमदार वापसी हुई है, और प्रधानमंत्री ने पुरानी जीत के सारे आंकड़ों को कहना चाहिए छोड़ते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के सारे आंकड़ों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इस बार फिर उनकी सत्ता में दमदार वापसी हो रही। अब देखना होगा कि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी किस तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। आप देखते रहिए MCD न्यूज़, हम चुनाव से जुड़ी और खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।